हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपका कोई शिपमेंट चाइना से या किसी और कंट्री से आ रहा है और वो कस्टम्स पे आ चुका है, कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, अब आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, तो आपको वो कैसे पे करनी है वो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट exportwala.com में जा सकते हैं। बहुत सारा डिटेल्स अवेलेबल है, हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी होती है, बड़ी सारी लोकेशंस में कंसल्टेंसी सर्विस है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज, एडी कोड, आईसी लाइसेंस के लिए आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। टीम आपको डिटेल्स बता देगी, सारी चीजें उस पर बता देगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका शिपमेंट आ जाएगा, अब आपको ड्यूटी कैसे पे करनी है, आपका आपने किसी सीएचए या एजेंट के थ्रू इम्पोर्ट किया है या किसी शिपिंग कंपनी के थ्रू किया है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप जाके ड्यूटी पे कर दीजिए। तो कहाँ पे आपको जाना है, कस्टम की वेबसाइट है icegate.gov.in। तो यहाँ पे देखिए, गूगल पे आप लिखेंगे icegate.gov.in तो ये वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। तो ये एक न्यू वेबसाइट है, अभी 2023 में लेटेस्ट वेबसाइट है। और ओल्ड वेबसाइट में आपको जाना है तो देखिए, यहाँ पे ओल्ड वेबसाइट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे होम पेज पे ही सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाएंगे आप, ये विंडो ओपन होगी, विंडो में ई पे आपको दिख रहा होगा, ई पे पे आपको क्लिक करना है। ई पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट्स में जाना है। कस्टम ड्यूटी पेमेंट में आप जाएंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है बीई, बिल ऑफ एंट्री। आप कस्टम ड्यूटी जो है इम्पोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री जनरेट होती है, उसकी पेमेंट करनी है आपको, तो बीई आपने सिलेक्ट किया। आपकी कंपनी का आईसी कोड आप यहाँ पे डालेंगे, जिस पोर्ट पे आपका शिपमेंट आया है, तो फॉर एग्जाम्पल नावाचेवा पोर्ट पे आया है या किसी एयरपोर्ट पे, एयर कार्गो पे आया है, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पोर्ट की लोकेशन के साथ पोर्ट कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको आप पे करेंगे। तो यहाँ से आगे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपको पीपीटी ओपन करके बताता हूँ। वो पीपीटी का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो ये पीपीटी है, ये साइट से ही मैंने डाउनलोड करी है और वहां से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करना है, अभी आप नेक्स्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे ऐसा जो भी आपका शिपमेंट आया उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, डॉक्यूमेंट नंबर, असेसमेंट डेट, चालान नंबर, ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ से देखिए नीचे पे का ऑप्शन आ रहा है, आप पे करेंगे, फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे, डिटेल्स आपको चेक करने हैं आपका। यहाँ पे देखिए आईसी नेम, ये सारे डिटेल्स आएगा। नेक्स्ट जाएंगे, बैंक्स के ऑप्शन है, तो यहाँ लिमिटेड बैंक्स के ऑप्शन ही आते हैं, सारे बैंक्स के ऑप्शन नहीं आते, तो इनमें से आपको कोई बैंक के थ्रू ही नेट बैंकिंग आप यहाँ पे पेमेंट जो है ड्यूटी का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आप पे करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर फेल होता है तो यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन है, अगर फेल हुआ है तो उस केस में क्या करना है, तो आप इस पीपीटी में डिटेल में आगे जाएंगे तो सारा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर जिनके इम्पोर्ट जिनने किए हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है कहाँ से पे करना है, ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल अवेलेबल है। ये पीपीटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।